दोस्तों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं नोटी फार्मर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपने सफ़ेद चंदन की खेती के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लाल चंदन की खेती के बारे में कि किसान भाई इसकी खेती किस तरीके से कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं और इससे हमें कितना मुनाफा मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सर आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। और सर जैसे कि आपने हमें बताया कि हमें सफ़ेद चंदन की खेती किस तरीके से करते हैं, तो जैसे आपके ये जो पौधे हैं लाल चंदन की, ये काफ़ी अलग वेराइटी है और इसकी जो लिप्स है वो भी काफ़ी अलग डिफरेंट तरीके की दिखाई दी, तो ये क्या वेराइटी है और इसकी खेती कैसे करते हैं, आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखो इसमें जो सफ़ेद चंदन की तो आपने जैसे बात किया वैसे ही ये लाल चंदन आता है, लेकिन इसकी जो पकने की और उसको जब काटने की जो उम्र होती है वो उससे ज़्यादा होती है, 20 साल तक या 22 साल तक बड़ा होता है, लेकिन वो सफ़ेद चंदन से ज़्यादा कॉस्टली होता है। और इसका जो मेन थड़ होता है उसके अंदर से जो मटेरियल निकलता है वो अलग अलग जगह पे यूज होता है। जैसे आपने लाल चंदन की बात करें तो भगवान के हर चीज में लाल चंदन ही यूज होता है। फिर अपने स्वामीनारायण मंदिर जो भी है अपने, उसके अंदर भी काफी जगह पे ऐसा है कि जी ये चंदन मिलता है और उसकी कीमत भी ज्यादा रहती है। उसके अंदर का जो मटेरियल आता है उसके अंदर ऑयल भी निकलता है, वो भी महंगा जाता है। तो सर इसकी लगभग अगर हम आज की अगर बात करें तो पर केजी लगभग मार्केट की क्या रेट रहती है? अभी जो गवर्नमेंट ने 2014 में यहाँ गुजरात गवर्नमेंट में जो MSP कुछ मेरे ध्यान में आई थी जी, वो 14,000 रुपया पर केजी उन्होंने किया था। कि मतलब ये रेट किसानों को MSP जैसे MSP जी, दूसरी खेत पैदाश लेते हैं वैसे जी, भी जी, इनका ये किया था, लेकिन अब उसका कुछ रिवाइज चल रहा है और ये 20-22,000 किलो पर केजी जाने की कुछ हम सोच रहे हैं कि भाई उतना जा सकता है जी। तो जैसे कितने टाइम में ये पौधा पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रोडक्शन के लिए? ये पौधा क्या है कि इसके लिए अनुकूल जगह चाहिए, पानी चाहिए जी, और ट्रीटमेंट लाल चंदन में थोड़ी ज़्यादा चाहती है सफ़ेद चंदन के हिसाब से। अगर एक बार ये लग जाता है सही, उसके मूल बूल डाल देता है, उसके बाद ये अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है उसका, और ये 20 से 22 साल तक उसका अपने एज लिमिट गिन सकते हैं, हाँ तब तक होता है। तो जैसे अगर आप इसकी खेती अगर कोई करता है तो क्या सावधानियां रखनी होती है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो आप थोड़ा सा? इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है जो उदय होती है जी, उनकी रहती है। तो उदय के लिए हम अलग अलग पाउडर आते हैं या दवा आती है जी, वही डालते हैं। फिर यूरिया भी हमने एक बार ट्राई किया था अलग कुछ, तो यूरिया और दूसरा एक जो उसको ग्रोथ करने वाला खातर होता है वो हमने मिक्स करके डाला था, तो उससे बेनिफिट हम लोगों को ज़्यादा रहा है। तो उसके बाद हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने जैसे इसके साथ में सागवान भी इसके मिक्स में आपने लगा रखा है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। सागवान ये हमने इसीलिए लगाया कि हमारे ये लाल चंदन के बीच में 12 से 13 फुट की जगह हम छोड़ते हैं और ये छोड़ होता है वो स्ट्रेट ही होता है वैसे जी, हाँ। तो सागवान हमने बीच में इसीलिए लगाया कि वो थोड़ी जल्दी बीच में खेती अपने को आवक कर सके। तो 6 फुट पे हमने सागवान जो टिश्यू कल्चर आता है वो सुनील भाई के वहाँ से ही, हमने श्रीनाथ बायो प्लांट वाले हैं उनसे ही लिया है सब प्लांट और उनके वहाँ से ही लगाया है। तो ये भी अच्छा जाता है। सागवान की कीमत भी गनफुट पे 2,000-2,500-3,000 रुपया गनफुट पे रहती है जी, हाँ। तो और उसकी एज लिमिट है 10 से 12 साल, 12 साल में प्रोडक्शन, हाँ वो हो जाता है सागवान जी। तो उसमें जैसे एक पौधे से कितना अपना प्रोडक्शन निकल जाता है लगभग, अगर अच्छा पौधा हो तो? अगर अच्छा पौधा है, अगर आप पानी वानी सही देते हो, खातर बातर उसको सही टाइम पे मिला है जी, तो अपने 40 से 50 गनफुट तक अपने सागवान में गिन सकते हैं, अपने को मिल सकता है, हाँ। और उसके अलावा भी उसके जो डाली पौधे होते हैं वो भी अलग अलग पट्टियों में यूज करने वाले कर सकते हो अगर आप थोड़े वो करो तो। और रही बात अपनी लाल चंदन की जी, तो वो भी 20-22 साल जैसे अपने ने बताया जी, और वो होता है और उसके अंदर जो मटेरियल आता है जो अपने को वो हार्डवुड चाहिए जिससे अपन बेच सके, तो वो 20 से 25 किलो 30 किलो तक अपन पर पौधे से अपने को मिल सकता है। मतलब कुल मिला के टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन काफी अच्छा मुनाफा, मतलब किसान को बहुत अच्छा मुनाफा ये खेती से। अगर आप कोई और खेती कर रहा है उससे भी बागायत खेती अगर करते हो तो बागायत खेती में हमने बेनिफिट ज्यादा देखा है। तो जैसे अगर आप इसमें सिंचाई का आपका क्या सिस्टम, उसके बारे में? सिंचाई के लिए हमने जैसे सफ़ेद चंदन में भी किया वैसे भी ड्रिप इरिगेशन ही किया है। यहाँ पे हर 15 दिन पे उसको पानी दिया जाता है 4-5 दिन तक कंटिन्यू, फिर 15 दिन छोड़ दिया जाता है। अगर ऐसा लगता है कि थोड़ी गर्मी ज़्यादा है तो उस दिन 10 दिन पे हम देते हैं। अभी चौमासा होता है तो उसमें हम नहीं देते, हाँ। तो सर जैसे आपने यूरिया का भी आपने इसमें प्रैक्टिकल किया, तो नॉर्मली आप इसमें कौन से फर्टिलाइज़र देते हैं? उसमें काफ़ी अलग अलग, देखो मार्केट में क्या होता है रिसर्च कंपनियां करती रहती है तो आते हैं, लेकिन हमने हमारा जो अनुभव है उसमें सेंद्रीय खातर या छाणीय खातर आता है अपने बोलते हैं उसको, वो ज़्यादा बेनिफिट वाला रहता है। फिर हमने जो अड़सिया आते हैं, हाँ उसका ट्राई किया है कि पूरा उसको चौमासा जैसे आते हैं तो हम अड़सिया की पेटी आती है उनको ला के अलग अलग पेटियाँ छोड़ देते हैं,
तो अड़सिया जो सेंद्रीय खातर बनाते हैं वो ज्यादा बेनिफिट वाला मिलता है, मतलब कि आपको अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जैसे कोई इसकी खेती करना चाहे तो उसे आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो इसकी खेती कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी अगर जो जगह है और उनकी जैसे निर्भरता की क्या है उसके हिसाब से, लेकिन आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा करो, लेकिन एटलीस्ट आप उतना करो कि जो आपकी जगह वेस्ट है, अगर आप ट्रायल बेस पे उतना करो तो आप जैसे बच्चों को एफडी करके देते हो या कुछ पॉलिसी देते हो तो ये पॉलिसी वाला ही काम है जो उनको बेनिफिट देगा, मतलब एक लंबे टाइम के बाद टाइम पे अच्छा मुनाफा देगा और बेनिफिट देगा। और दूसरी चीज, जाट बैट तो हर एक कोई भी, मतलब पूरे इंडिया में आप चले जाओ कोई भी खेती करता हो उसके आजू बाजू ऐसे कई जाड़ होते जो कोई काम के नहीं होते लेकिन है, बैठे रहते हैं, पब्लिक छाया लेती है, तो उससे बढ़िया यही कि यही जाड़ उगाओ जी, उससे भी छाया मिलता है और कुछ देखे जाएगा, कुछ देखे जाएगा। तो मेरा ये कहना है। तो सर आपका ये जो पूरा प्लॉट है तो ये कितने एकड़ का है? ये भी मेरा 4.5 एकड़ के करीब है और यहाँ पे भी मेरे 2500 जैसे छोड़ है, उसमें से 1200 छोड़ मेरे सागुन के, बाकी छोड़ मेरे लाल चंदन के, कुछ सफ़ेद चंदन के जी, वैसे अलग अलग मैंने किए हैं। तो सर एक मेन चीज़ बताइए कि जैसे अगर आप इसकी खेती करते हैं तो काफ़ी महंगी चीज़ है, तो जैसे कई जगहों पे इसे लोग रात को काट के भी ले जाते हैं, तो आप इसकी सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे और किस तरीके से इसकी सिक्योरिटी, उसके बारे में आप थोड़ा? हम लोग भी वैसा ही है कि हम जैसे बाहर रहते हैं तो इसकी सिक्योरिटी मेन पर्पज रहता है, तो अभी 5-6 साल तक तो पकता नहीं है और काटने का मतलब नहीं रहता है तो कोई पब्लिक नहीं ले जाती, लेकिन उसके बाद हमने 2-3 चीज़ें ऐसी सोच के रखी है जो काफ़ी लोग करते हैं। एक तो तार फेंसिंग करा अच्छी वाली, दूसरी चीज सीसीटीवी कंपलसरी करना पड़ता है जी। हाँ, 7 साल के बाद आपको सीसीटीवी कैमरा ऐसे पोल लगा देने पड़ते हैं कि पूरा कवरेज हो, आप कहीं पे भी बैठे हो देख सकते हो, और उसमें भी अलार्म आता है कि कोई भी एंटर होता है तो वो करे। दूसरी चीज, हमारे गुजरात में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी सपोर्ट करता है इस चीज को, तो आप उनको भी हैंड ओवर कर सकते हो कि आप सिक्योरिटी करो, तो कुछ चार्जेस उनका जो भी रहता है गवर्नमेंट तय करती है, वो लेते हैं कुछ, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन सिक्योरिटी अच्छी वो देते हैं जी। तो सर जैसे ये तो चीज़ हो गई सिक्योरिटी की बात, अब सबसे बड़ी बात आएगी कि सर आपने 20-15 साल आपने इसको लगा के पौधों को बड़ा भी कर दिया और भाई मार्केट में रेट भी मिलती है, उसके बाद आप बेचेंगे कहाँ? क्योंकि आम किसान ये नहीं जानता है कि इसका मार्केट कहाँ है और आम किसान इसे इतने अच्छे दामों पर बेच नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहती है? उसके लिए सर ऐसा है कि एक तो ये डोमेस्टिक भी है, साथ साथ में इंटरनेशनल मार्केट भी है, तो एक्सपोर्ट भी होती है। तो हम लोगों को पहले नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई जब गुजरात में, उसके बाद ही यहाँ पे अलाउ कर दिया कि आप उसको लगा भी सकते हो और बेच भी सकते हो, एज अ बिजनेस उसको इन्वॉल्व कर दिया। तो उसके बाद ये सब फार्मरों ने चालू किया और हमने भी इसीलिए चालू किया। तो अभी जो लाठियाँ रहती है बड़ी बड़ी, कुछ लोग रहते हैं जो लेने वाले रहते हैं, बाकी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले का कॉन्टेक्ट भी करते हैं, वो भी करके देते हैं। दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है जो MSP तय करने के बाद गवर्नमेंट कोटा में लेती है जी। अब उसकी जानकारी हमको लेनी रहती है जब वो बेचेंगे तब, तो वो कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस रहती है जी, उसकी प्रोसेस पूरी जानना है। हाँ, वो करना पड़ेगा, लेकिन ये बेच जाता है माल, उसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात। हाँ, वो अगर आता है डायरेक्ट कोई पार्टी लेती है तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो गवर्नमेंट भी उसमें हेल्प करती है और उसके ऊपर कम दाम आता है तो MSP भी देती है। हाँ जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।